नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोस्ट। सुशांत सिंह के मौत के मकड़जाल का सच क्या है, वो पूरा खुलासा हम आपको इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जी हां, उनके मौत से ताला चाबी का क्या कनेक्शन है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक बड़ा खुलासा करेंगे जिसको सुनकर और जिसको देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, लेकिन इसके पहले आप लोगों से एक सवाल है जो कि पूरा देश पूछ रहा है कि क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या फिर उनका मर्डर हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ज्यादा कमेंट होगा तो सरकार और प्रशासन पर दबाव पड़ेगा और वो CBI जांच के लिए मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ताला चाबी कनेक्शन का। आखिर ताला चाबी से इस मौत का क्या कनेक्शन है? जब सुशांत सिंह की मौत हुई, दरवाजा अंदर से बंद था या फिर बाहर से लॉक, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन उनका दोस्त यही बता रहे हैं कि दरवाजा अंदर से बंद था और ताला चाबी बनाने वाले को बुलाया गया और दरवाजा तोड़ा गया। लेकिन शक यही है, पुलिस को बुलाकर उस दरवाजे को तोड़ना चाहिए था। इतनी जल्दी भी क्या थी कि सुशांत सिंह के दरवाजे को आनन फानन में तोड़ा गया, जबकि उस वक्त वहां पर सुशांत सिंह राजपूत अंदर में बंद थे और यह पुष्टि नहीं हुई थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसके बाद पूरे मामले में पुलिस का कदम भी संदेहास्पद लगता है। जी हां, जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने यही बयान दिया कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। जनाब, अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं आया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी मौत आत्महत्या की वजह से हुई है? लेकिन यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार पुलिस सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके जरिए आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सुशांत सिंह का वाकई में मर्डर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोई इंसान अगर फंदे से लटकता है तो उनकी आंखें लाल हो सकती है, बल्कि नीली नहीं, बल्कि सुशांत सिंह के मामले में उनकी आंखें, बाई आंखें नीली पाई गई है। जब कोई इंसान फंदे से लटकता है तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए टेबल या कुर्सी, कोई ऊंचा सामान की जरूरत होती है। लेकिन जब सुशांत सिंह की लाश उस पंखे से लटकी थी तो पंखे के नीचे ना ही कोई टेबल था, ना कुर्सी, ना कोई ऊंची चीज, यानी कि शक तो बनता है। और एक अहम पॉइंट यह है कि जब कोई आदमी फंदे पर लटकेगा तो सबसे पहले उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बल्कि पुलिस ने ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि पुलिस को कोई हक नहीं है कि किसी इंसान को मरा होने की घोषणा वो करे, क्योंकि उनके पास वो कौशल नहीं होती है कि वो बता सके कि इंसान मर गया है। लेकिन पुलिस ने यह बातें दुनिया के सामने तुरंत रख दी कि सुशांत सिंह की मौत हो गई है। कुल मिलाकर यही है कि उनसे जुड़े जितने भी करैक्टर हैं सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सब लोग सबूत मिटाने में जुटे हैं, चाहे उनके दोस्त हो, उनके करीबी रिया चक्रवर्ती, या फिर उनके डॉक्टर और उसके बाद पुलिस, सबकी भूमिकाएं संदिग्ध है। दोस्तों, यही वजह है कि पूरा देश इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह की मौत की जांच CBI से करानी चाहिए? अगर करानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे सरकार पर दबाव पड़ेगा और वो CBI जांच कराने के लिए मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया के सामने सुशांत की मौत की राज से पर्दा उठ सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सुशांत सिंह से जुड़े आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।